हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको सिखाऊंगा एसेटिक फोटो एडिटिंग। सबसे पहले आपको एडिट अ फोटो पे क्लिक कर देना है। सिंपली जहां पे भी आपकी फ़ोटो है, सिंपली अपने फ़ोटो का आपको क्लिक करना है और एंड आपकी फ़ोटो यहां ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको ऐड फोटो में चले जाना है। एंड सिंपली आपको यहाँ पर ये वाली विंग्स की पीएनजी मिल जाएगी, इसको लेना है, साइज़ को बड़ा करना है एंड यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार इसको लगा देना है। लगाने के बाद सिंपली ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है एंड इसको आप मल्टीप्लाई में कर सकते हो, आपकी मर्जी है आपको किस में रखना है। तो मैं इसको ओवरले वाले ऑप्शन में रखूँगा जो सबसे बढ़िया लग रहा है लाइटिंग इफेक्ट में थोड़ा, तो इस वाले ऑप्शन पे रख के इरेज वाले ऑप्शन पे आप पे क्लिक कर देना है। सिंपली अपने बॉडी पे से जो भी आ रहा है पार्ट उसको आपको इरेज कर देना है, हार्डनेस को 100 कर देना है एंड साइज़ को अपने हिसाब से आपको रख लेना है। तो सिंपली गाइज आप देख सकते हो मैंने इसको इरेज कर लिया है। सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड आपको ये वाली टेक्स्ट की पीएनजी मिल जाएगी एक एंड ये वाली एक स्कल की पीएनजी मिल जाएगी, इसको लेना आपको एंड ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। इसके बाद ये टेक्स्ट वाली पीएनजी है जो आपकी, इसको यहाँ पर आपको लेना है एंड ब्लेंड ऑप्शन पर आपको चले जाना है एंड इसको आपको मल्टीप्लाई में कर देना है। इसके बाद इतना होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना, अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड आपको ये वाली दोनों पीएनजी को सिंपली ऐड कर देना है एंड इस वाली पीएनजी को साइज को छोटा करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे सिंपली एंड सिंपली ब्लेंड ऑप्शन पे जाके इसको भी मल्टीप्लाई में कर देना आपको एंड इस वाली पीएनजी को लेना है, ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है, इसको भी आपको मल्टीप्लाई में कर देना है एंड साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है। एंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा रखूँगा तो कुछ इतना आप देख सकते हो एंड इतना होने के बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। इसके बाद टूल्स पे जाना है, क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके अपनी फ़ोटो को सिंपली आपको क्रॉप कर लेना है। तो मैं इसको कुछ इतना क्रॉप कर दूंगा आप देख सकते हो एंड इतना होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है एंड इसको आप पहले भी क्रॉप कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को, वो आपकी मर्जी है, तो मैंने पहले क्रॉप नहीं करा था। इसके बाद ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है एंड आपको ये वाली एक पीएनजी मिल जाएगी, सिंपली इसको आपको ऐड कर देना है एंड साइज़ को कुछ इस प्रकार बड़ा करना है, रोटेट करना है एंड जो ये फिंगर है इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपको ले आना है। ब्लेंड ऑप्शन पर जाके इसको आपको मल्टीप्लाई में कर देना है एंड ऊपर की तरफ कुछ इतना आपको यहाँ पर लगा देना है। सिंपली टू कॉपी आइकन पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर लेनी है, फ्लिप वाले ऑप्शन पे जाके थर्ड से फ्लिप कर देना है एंड सिंपली कुछ इस प्रकार इसको यहाँ पर लगा देना, आप देख सकते हो। इतना होने के बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपकी फोटो कितनी बढ़िया एडिटिंग हो गई है पहले से, बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें इफेक्ट यूज करेंगे, तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, एफएक्स में जाना है, एचडीआर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके ऊपर मर्ज का आइकन दिख जाएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एफएक्स पे जाना है एंड फिल्म 2 को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो फिल्म 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है एंड इसको मैं मल्टीप्लाई में करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई में रख सकता हूँ। तो इसको मैं ओनली नॉर्मल में रखूँगा। इतना होने के बाद सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना बढ़िया इफेक्ट आ गया आपकी फ़ोटो में। टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, रिसाइज ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर अपने फोटो का मैक्सिमम रिसाइज में डाल देना आपको, जिससे हमारे फोटो के पिक्सल नहीं फटेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। पिक्सआर्ट टेलीग्राम पे मिल जाए।